आज जब जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, खास करके 370 टूट जाने के बाद, जहां कश्मीर के अंदर हमारी जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो चाहती है कि आम जनजीवन जो पटरी पर आ जाए, तो वहीं कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर कुछ पार्टीज इकट्ठे होके और उनके नेता इकट्ठे होके चाहते हैं कि वो कश्मीर का विजिट करें, जिसके अंदर कुछ दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद भी कश्मीर जाना चाहते थे, जिनको कश्मीर एयरपोर्ट पे ही रोक दिया गया। अभी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर द्वारा ये ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि उनका समर्थन करें, उनके साथ योगदान दें, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हालात ठीक किए जाएं। उन्होंने ये सरकार ने ये भी कहा है कि आज जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार थ्रेट्स हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो लगातार थ्रेट दे रहा है कश्मीर के अंदर, वो नहीं चाहते कि आम कश्मीरियों की जो है जिंदगी के ऊपर किसी तरह का खतरा मंडराए। इसीलिए उन्होंने ये अपील की है सभी पार्टीज और सभी पॉलिटिकल लीडर से कि कश्मीर ना आए और कश्मीर के अंदर जो हालात आहिस्ता आहिस्ता पटरी की तरफ आ रहे हैं, उनको आम जनजीवन को सामान्य तौर पर चलने दें, ना कि वहां पर आके बाकी लोगों के लिए समस्या खड़ा करें। ये जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक अपील की गई है, जिसको कि आज सभी को ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार चाहती है कि हालात ठीक रहें और कश्मीर के अंदर हालात जो है, आम जनजीवन जो है सामान्य तौर पर चले। अभी फिलहाल अगर बात करें तो 370 टूट जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हालात कई हद तक जो है सामान्य हुए हैं और उसके पीछे सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और मोदी सरकार भी पूरी तरह से चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात सामान्य रहें। देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।